हेलो एवरीवन, दिस इज मी साविया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जिनका राइट नाउ ब्रेकअप हुआ है अपने पर्सन के साथ, चाहे वो रिसेंट हुआ है, बहुत पहले का हुआ है, बट आप जानना चाहते हो कि क्या आपका आपके पर्सन के साथ पैचअप होगा, क्या आप लोग रिकनसाइल करोगे, क्या आप दोनों के दरमियान में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और अगर हो जाती हैं तो क्या वो लास्ट करेगा, हाँ या ना, ये सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या आपका पैचअप होगा अपने पर्सन के साथ, क्या आप दोनों रिकनसाइल करोगे, हाँ या ना, लेट्स फाइंड आउट। अच्छा, पहले जो कार्ड आया था इट वाज द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि चीज़ें जो है वो आपके फेवर में, आपके कनेक्शन के फेवर में आने वाली हैं कुछ टाइम तक। तो डेफिनेटली चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि आपका आपके पर्सन के साथ पैचअप हो। मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि आपका पैचअप हो पाएगा, आप रिकनसाइल कर सकोगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों राइट ना हो सकते, एक दूसरे की तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो और सोच रहे हो कि आपके पर्सन को इनिशिएटिव लेना चाहिए। लेकिन फीलिंग्स जो हैं पैचअप को लेकर वो काफ़ी हद तक म्यूचुअल हो चुकी हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। देखते हैं कि क्या आपका पैचअप होगा इस इंसान के साथ। द एम्परर, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, द हर्मिट, फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट। एंड इन द डेक वी डू हैव क्वीन ऑफ कप्स। डेफिनेटली मेजॉरिटी लोगों के लिए पैचअप डेफिनेटली होगा आपका इस इंसान के साथ। मुझे लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी हद तक जो है वो इसकी हरकतें या इसकी इसकी अनअवेलेबिलिटी कनेक्शन के अंदर मुझे लगता है कि रीज़न बनी होगी कनेक्शन के ख़त्म होने में। हो सकता है कि आप ज़्यादा डिमांडिंग हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चाहते हो कि आप दोनों टाइम स्पेंड करो, चीज़ों को आगे लेकर जाओ, लेकिन आपका पर्सन शायद इस सिचुएशन में नहीं था मेजॉरिटी लोगों के लिए जहाँ पर वो कमिट कर पाता या फिर कनेक्शन को आगे ले जाने की बात कर पाता, सीरियस हो पाता कनेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से आप लोगों का कनेक्शन डेफिनेटली ख़त्म हुआ। मुझे लगता है कि राइट नाउ एज वेल, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है या नहीं आ चुका, स्टिल आप विश करते हो, डिज़ायर करते हो कि आपके पर्सन के साथ पैचअप हो जाए, क्योंकि आपके दिल में इस इंसान के लिए जो प्यार है, जो फीलिंग्स हैं, वो किसी और के लिए आपके दिल में ना तो कभी थी ना ही आपको लगता है कि हो सकती हैं। यू स्टिल लव दिस पर्सन, यू स्टिल हैव दैट सॉफ्ट कॉर्नर इस इंसान के लिए। कमिंग टूवर्ड्स दिस पर्सन एनर्जी, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो ये पर्सन है आपका, जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो या जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे लगता है कि पर्सन हमेशा से जब अपने इमोशंस की बात आती है तो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाता है इमोशंस को लेकर, काफ़ी हद तक यू नो चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में लेकर देखता और सोचता आया है। राइट नाउ जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं, मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन, अगर तो आपका ब्रेकअप हुए काफ़ी टाइम हो चुका है तब तो बहुत जल्द आपको लगेगा कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अगर रिसेंटली भी ख़त्म हुआ है कनेक्शन तो मुझे लगता है कि जैसे ही इस पर्सन की ज़िंदगी में थोड़ा संभलने वाला एक फेज़ आएगा जहाँ पर इसको लगेगा कि नाउ आई हैव अचीव्ड इनाफ और वो अपनी लव लाइफ को लेकर सीरियस होकर सोचेगा, तो तब ये आपके पास वापस ज़रूर आएगा। मेजॉरिटी लोग वो होंगे जिनके पास ये पर्सन आएगा, जो लोग इस चीज़ के लिए दुआ करते आए हैं, यू नो एक विश रखते आए हैं और एक डिज़ायर रखते आए हैं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि विश करते हैं बट यू नो आप नेगेटिव भी रहते हो, और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि गिव अप कर रहे होंगे, उस स्पॉट पे होंगे अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे वो चाह रहे होंगे कि बस यू नो नहीं आ रहा तो भाड़ में जो है हमारी तरफ से, हम आगे हैं, रेडी हो रहे हैं मूव ऑन करने के लिए। सो मुझे लगता है कि वो लोग जो ऑब्सेस नहीं कर रहे इस पर्सन को लेकर, उनके लिए पर्सन जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। और अगर आप यू नो सरेंडर कर चुके हो, उन लोगों के लिए भी ये पर्सन जल्दी आएगा, स्पेशली अगर आप पॉजिटिव रहते हुए दुआएँ कर रहे हो, यू नो फियरफुल होकर दुआ नहीं कर रहे या अफर्म नहीं कर रहे या कोई टूल्स एंड टेक्निक
टेक्निक्स नहीं यूज़ कर रहे, पॉजिटिव होते हुए अगर आप कुछ करना चाहते हो, दुआ मांगना चाहते हो, अफर्म करना चाहते हो, स्क्रिप्ट करना चाहते हो, तो तब भी आपके लिए ये पर्सन जल्दी आएगा. लेकिन वो लोग जो ऑब्सेस कर रहे हैं कि कब कब कब, क्यों क्यों क्यों, कहाँ कहाँ कहाँ, ये इस तरह के सवाल अगर आप इस इंसान को लेकर कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपके लिए सिचुएशन जल्दी चेंज नहीं होगी. आपको किसी भी वे में उस सिचुएशन में आना है जहाँ पर आप सरेंडर कर दो, चाहे वो गिव अप करके सरेंडर करो या फिर सरेंडर करके आप चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो. ईदर वे ये पर्सन जल्दी आएगा. या अगर वो लोग जो करंटली सोच रहे हैं कि बाहर में जाइए पर्सन और हमें नहीं चाहिए, उनके लिए भी ये पर्सन आ जाएगा. लेकिन ऑब्सेशन जहाँ पे है या जहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कब 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 और यू नो क्या कर रहा है पर्सन, कहाँ है ये पर्सन, क्यों यू नो अब तक इसने ये नहीं किया, क्यों अब तक बात नहीं की, क्यों ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अगर आप इस सिचुएशन में हो, तो आपके लिए ये पर्सन मुझे नहीं लगता कि एनी टाइम सून आएगा. मेजॉरिटी लोग वो होंगे जो इस रिकन्सिलिएशन को बहुत जल्दी एक्सपीरियंस करेंगे, जो ऑलरेडी लाइक आई मेंशन अर्लियर कि ये सिचुएशंस में आपके लिए चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि आप बहुत जल्दी रिकन्साइल कर जाओ. लेट्स सी कि रिकन्साइल करने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कनेक्शन के अंदर. क्या ये लास्ट करेगा, क्या आप लोगों का जो पैचअप होगा, क्या ये आपके लिए लॉन्ग टर्म चलेगा. सो लेट्स सी कि फ्यूचर क्या होगा आप दोनों का, हाँ, वंस यू गेट बैक टुगेदर. किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था जो कि आई कुडंट सी, सो इसको मैं इंक्लूड नहीं करूँगी. लेट्स कीप शफलिंग. क्या ये पैचअप आपका लास्ट करेगा, हाँ या ना. द लवर्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, किंग क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अन इधर एक वी डू हैव टेन ऑफ वॉन्ड्स. मुझे लगता है कि इसमें मेजॉरिटी लोगों के लिए ये आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक ऑन एंड ऑफ रहा होगा, और आगे भी इसके कुछ संभलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं. मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका यू नो आपका जो एटीट्यूड है इस कनेक्शन को लेकर, वो हमेशा सेम रहता है. चीज़ें यू नो आपको कहीं ना कहीं एक वो फील तो रहती है कि शायद यू आर डिस्टाइंड टू बी विद दिस पर्सन, लेकिन जो फियर बेस्ड थॉट्स हैं या फियर बेस्ड एक्शन जो हैं वो स्टॉप नहीं होते इस कनेक्शन में. तो आपको चाहिए होगा कि चीज़ें जल्दी जल्दी आगे जाएँ, जल्दी जल्दी चीज़ें आगे की तरफ बढ़ें, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ अब आपको एक कन्फर्मेशन मिल रही है, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी और स्टे करेंगी. मुझे लगता है कि अगेन जिनके अंदर वो फियर बेस्ड थॉट्स वापस आ जाएंगी, या जैसे स्पेशली वो लोग जो कि गिव अप कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी लाइफ में जब ये पर्सन रीच आउट करेगा, तो मुझे लगता है कि आज आकर घूम फिर के आप फिर वहीं से स्टार्ट करोगे, उन्हीं ऑब्सेशंस के साथ स्टार्ट करोगे कनेक्शन जहाँ पर आपने एंड किया था, और इसीलिए वो लास्ट नहीं करेगा. सो आपका फेथ, आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग हो चुका होना चाहिए जब ये पर्सन वापस आए कि आप इसे चेज नहीं करो, इस पर्सन को चेज नहीं करो, लेट दिस पर्सन चेज यू. जब ये चेज करेगा या जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में ऐसे आएगा जहाँ पे ये चाह रहा होगा कि चीज़ें आगे लेकर जाए, तब जाकर चीज़ें नॉन स्टॉप चलने वाली होंगी. मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इनर नोइंग है कि ये पर्सन आपका यू नो डिस्टाइंड टू बी पार्टनर है, लेकिन ऑन एंड ऑफ विल्स नॉट स्टॉप जब तक आप दोनों ऐसी सिचुएशन में नहीं होते जहाँ पे आप फियर बेस्ड एक्शंस नहीं लेते हो. यू नो जब तक ये चलता रहेगा, जहाँ पे आपके इमोशंस जो है वो आप हमेशा उनको कंट्रोल करने दोगे, अपने माइंड का जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपकी स्टेबल नहीं रह सकेंगी. ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन जो है वो मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए चलती रहेंगी. सेम इशूज़ होंगे, सेम फाइट्स होंगी, सेम आर्ग्यूमेंट्स होंगे और चीज़ें एंड हो जाएंगी. सो मुझे नहीं लग रहा कि मेजॉरिटी लोगों के लिए कनेक्शन लास्ट करेगा, अनटिल एंड लेस कि जो आपको लेसन्स लर्न करने हैं वो आप लर्न नहीं कर पाते. अब मुझे हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का पैचअप आप जो है वो इनिशिएट करो, और पैचअप तो हो जाएगा, लेकिन स्टिल चीज़ें वहीं की वहीं रहेंगी. घूम फिर के आ जाकर आप दोनों सेम वही स्टोरी रिपीट करोगे. सो मुझे नहीं लगता कि लास्ट करेगा मेजॉरिटी लोगों के लिए. लेट्स टेक ओरेकल कार्ड्स कि आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ गिवन सिचुएशन में, ताकि आपकी लव लाइफ में जो है वो थोड़ा चीज़ें वैसी हो जैसे आप डिज़ायर करते हो. लेट्स सी राइट नाउ आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि आपकी लव लाइफ में डिज़ायरेबल सिचुएशन हो जाए. वी हैव व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़.
क्या चीज़ें हैं ऐसी जो आपको रिलीज करनी है, आपकी नेगेटिविटी, पास्ट पैटर्न्स, थॉट प्रोसेस, नया थॉट प्रोसेस इंस्टिल करना है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. आप जो भी चाहते हो इसका एज एन आउटकम, आप जो भी डिज़ायर करते हो, इट्स ऑलरेडी इन रीच फॉर यू. लेकिन आपकी जो यू नो थॉट प्रोसेस है, पैटर्न्स हैं, वो चेंज होने की ज़रूरत है. जब वो चेंज होंगे तभी आपको नया आउटकम दिखेगा इस कनेक्शन का. राइट ना आप उस सिचुएशन में नहीं हो जहाँ पर आपका ये पैचअप जो है वो होता तो दिख रहा है लेकिन लास्ट करता दिख नहीं रहा. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय.